और इसी के साथ में हम बात करेंगे, आज आप यहाँ पे आए हैं, आज का जो हम प्रोडक्ट आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्रिप्टो फार्मिंग, हम बात करेंगे कि क्रिप्टो फार्मिंग होता क्या है, क्यों आपको क्रिप्टो फार्मिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और वाई स्केल क्यों एकमात्र आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो सकता है क्रिप्टो फार्मिंग में इन्वेस्ट करके मैक्सिमम रिटर्न्स लेने का। और हम बात करेंगे कि वाई स्केल की अपकमिंग डेवलपमेंट्स क्या है और आप उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं अगर आज की डेट में आप वाई स्केल के साथ में जुड़ने का सोच रहे हैं। तो आइए सबसे पहले बात कर वाई स्केल की जर्नी के बारे में। तो अगर मैं वाई स्केल की जर्नी की बात करती हूँ, तो वाई स्केल की जर्नी की शुरुआत हुई थी 5 फरवरी 2021 को, जब इन्होंने अपना WY टोकन लॉन्च किया था ट्रोन ब्लॉकचेन पे। अब ट्रोन ब्लॉकचेन पे जब आप ये टोकन इन्होंने लॉन्च किया था, तो ट्रोन ब्लॉकचेन पे इनके ऑलमोस्ट 9,555 एड्रेस होल्डर्स हो चुके थे, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन्होंने ऑलमोस्ट 9,555 एड्रेस होल्डर्स यहाँ पे गेन कर लिए थे। और इसी के साथ में इन्होंने अपना YZ का कॉइन भी माइन कर दिया था और अपनी YZ की POAL1 ब्लॉकचेन का निर्माण भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। अब अगर मैं बात करती हूँ इनकी YZ POAL1 ब्लॉकचेन की, जिसको इन्होंने लॉन्च, जो डेवलपमेंट था वो स्टार्ट हो चुका था 2021 को, और अभी 15 जनवरी 2022 को इन्होंने अपनी YZ ब्लॉकचेन भी यहाँ पे लॉन्च कर ली थी। और आज की डेट में अगर मैं आपको इनके एड्रेस होल्डर्स के नंबर्स बताती हूँ या ट्रांजैक्शन नंबर्स बताती हूँ, तो आप भी मेरे साथ में उतने ही मेसमराइज्ड होंगे एंड यू विल बी प्राउड कि आपको जिसने भी यहाँ पे इनवाइट किया है उसने आपको एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी और गोल्डन प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पे इनवाइट किया है। तो आज की डेट में अगर आप इनके टोटल एड्रेसेस देखते हैं, तो गॉन मोर देन, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 38 मिलियन इनके ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं और 25+ मिलियन इनके एड्रेस होल्डर्स इन्होंने अचीव कर लिए हैं अपनी ब्लॉकचेन पे। ये छोटा नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो इन्होंने बहुत ही कम टाइम में अचीव किया है। मात्र 2 साल में इन्होंने ये सक्सेस का रेशियो यहाँ पे ये एक्वायर किया है। आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं। देखिए, एड्रेस होल्डर्स तो कोई भी गेन कर सकता है, लेकिन ट्रांजैक्शंस होना और उसके प्रूफ उस ब्लॉकचेन पे होना एक बहुत बड़ी बात है, और उसका नंबर भी 37 टू 38+ मिलियन जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो ये ब्लॉकचेन आज की डेट में अचीव कर चुकी है। अगर मैं बात करती हूँ 2023 की, 2023, तब इन्होंने अपना वाई स्केल एज अ डेफी इकोसिस्टम प्लेटफॉर्म डेवलप कर दिया था और लॉन्च कर दिया था। आज की डेट में आप वाई स्केल पे ना सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, बल्कि आप वाई स्केल पे FDs कर सकते हो, स्टैकिंग कर सकते हो, RW पार्टिसिपेट कर सकते हो। देर आर एन नंबर ऑफ न्यूमरस ऑप्शंस ऑफ प्रोडक्ट्स जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अपने इन्वेस्टमेंट का एक हैंडसम रिटर्न यहां से इस प्लेटफॉर्म से एक्सपेक्ट कर सकते हो, और आप यहां पे इन्वेस्ट करके अपने मनी को सिक्योरली बहुत सारा उस पे रिटर्न ले सकते हो। अब जो मैं बात कर रही थी इनके ट्रांजैक्शन नंबर्स की और इनके एड्रेस होल्डर्स की, जो कि 38+ मिलियन जा चुका है, और इनका ट्रांजैक्शन नंबर जो तकरीबन 24+ मिलियन तक जा चुका है, इससे इनको क्या अचीव हुआ है? तो इससे इनको अचीव हुआ है इथेरियम लाइब्रेरी का इंटीग्रेशन और कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, आज की डेट में इनके L1 ब्लॉकचेन के पास में बकायदा कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है फ्रॉम इथेरियम लाइब्रेरी। बाय अप्रैल ये ब्लॉकचेन इथेरियम लाइब्रेरी पे रजिस्टर्ड हो जाएगी। आपको वन ऑफ दी ब्लॉकचेन जो इथेरियम लाइब्रेरी पे आपको ब्लॉकचेन दिखती है, उसमें एक नाम आपको YZ का भी दिखाई दे।
देखिए दुनिया में 50,000 से ज्यादा ब्लॉकचेन्स हैं, उसमें से मात्र 22 ही ऐसी ब्लॉकचेन हैं जो इथेरियम लाइब्रेरी पे एग्जिस्ट करती है या लिस्ट करती है। तो पहली बात, ये एक बहुत ही बड़ी और प्राउड बात है कि वाईजेड की ब्लॉकचेन एज अ 23rd चेन इथेरियम लाइब्रेरी पे आने वाली है बाय अप्रैल। उसी के साथ में ये बात भी समझने की जरूरत है कि अगर कोई ब्लॉकचेन इथेरियम लाइब्रेरी पे लिस्ट हो रही है तो उससे उस ब्लॉकचेन को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बेनिफिट्स की बात करती हूँ तो सबसे पहले समझिएगा कि इथेरियम क्रिप्टो करेंसी का राजा है। जब भी हम बिग नेम्स की बात करते हैं, क्रिप्टो करेंसी से पहला इथेरियम या बिटकॉइन आता है। अब इथेरियम क्रिप्टो करेंसी का राजा है, तो ब्लॉकचेन की दुनिया में जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं वो सारे डेवलपमेंट्स का फायदा सबसे पहले कौन लेगा? वो ब्लॉकचेन्स लेगी जो इथेरियम लाइब्रेरी पे ऑलरेडी लिस्टेड है। जी हाँ, जो ब्लॉकचेन्स इथेरियम लाइब्रेरी पे ऑलरेडी लिस्टेड है उनके पास में सबसे पहला बेनिफिट आता है उन ब्लॉकचेन्स के डेवलपमेंट का। ब्लॉकचेन की दुनिया में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसका फर्स्ट एडवांटेज लेने का। और उसी के साथ में जो भी ब्लॉकचेन्स इथेरियम लाइब्रेरी पे है, दैट इंश्योर्स कि वो ब्लॉकचेन्स आर द मोस्ट सिक्योर्ड ब्लॉकचेन, बिकॉज उनकी लिस्टिंग इथेरियम लाइब्रेरी पे हो रही है। तो दैट इटसेल्फ शोज दैट दीज ब्लॉकचेन्स आर द सिक्योरेस्ट ब्लॉकचेन, जहां पे भी आप अभी तक इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रांजेक्शन करने का सोच रहे हैं। तो दैट ब्लॉकचेन गेट्स दी सिक्योर्ड वन। थर्डली, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉलीगॉन स्कैन और बिट स्कैन जैसी बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन्स ने भी इथेरियम लाइब्रेरी पे लिस्ट होना जरूरी समझा। अब जरा सोचिए कि इन ब्लॉकचेन्स ने यहाँ पे क्यों अपनी लिस्टिंग करवाई या इन्होंने इनविटेशन क्यों एक्सेप्ट किया होगा। तो इनका जो मार्केट वैल्यू या मार्केट कैप इथेरियम लाइब्रेरी पे आने से पहले था और इथेरियम लाइब्रेरी पे आने के बाद हुआ, वो मल्टी बिलियन तक जा चुका है। जी हाँ, अगर आज आप बाइजेट के साथ जुड़ने का सोच रहे हैं या आज आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो यू शुड बी थैंकफुल, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में दिस प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू बी दैट मल्टी बिलियन प्लेटफॉर्म, जहां आज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एंड देन यू कैन थिंक कि आपके इन्वेस्टमेंट पे आपका कितना हाई रिटर्न हो सकता है या आप किस फ्यूचर और किस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। उसी के साथ में इथेरियम लाइब्रेरी पे आने के लिए इनके जो ट्रांजैक्शंस नंबर है, एड्रेस होल्डर्स है, एक वन ऑफ द रीजंस तो वो है ही। प्लस जो इनकी बेनिफिट ऑफ ब्लॉकचेन है, जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी कि अगर हम इनके ट्रांजैक्शन टाइमिंग्स की बात करते हैं तो मात्र 12 सेकेंड में इनका ट्रांजैक्शन, आप यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप इस ब्लॉकचेन पे कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसका टाइम कितना लगेगा? आपका यहाँ पे टाइम सिर्फ और सिर्फ 12 सेकेंड्स का लगेगा। इफ आई टॉक अबाउट देयर गैस फी या इनकी ट्रांजैक्शन फी की बात करती हूँ, तो आज तक की जितनी भी ब्लॉकचेन पे आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे या जितनी भी ब्लॉकचेन्स आप यूज कर रहे होंगे, इनका ट्रांजैक्शन फी उन सारी ब्लॉकचेन से सबसे लोवेस्ट है। जी हाँ, दे ऑफर यू द लोवेस्ट ट्रांजैक्शन फी, जो है 1.-6 GUI। जी हाँ, मात्र इतने ट्रांजैक्शन फी में आपका यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पे नोट करने की है कि इनका ट्रांजैक्शन फी कांस्टेंट रहता है, मतलब बदलता भी नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं विद द मिनिमल ट्रांजैक्शन फी, दिस इज द ऑप्शन फॉर यू विच यू शुड नॉट मिस। इसी के साथ में इन्होंने रिसेंटली अपना WYS का टोकन लॉन्च किया था ऑन 22 जनवरी 2024 को XT एक्सचेंज पे, XT.com पे। जब इन्होंने लॉन्च किया था तो मात्र तो इन्होंने तकरीबन 5,000 WYS टोकन्स अवेलेबल करवाए थे मार्केट में,
और आपको जान के हैरानी होगी कि 8 सेकंड, मात्र 8 सेकंड, ओनली 8 सेकंड्स के अंदर इनके सारे टोकन सोल्ड आउट हो गए थे। सो इट टुक ओनली 8 सेकंड्स और उनके जितने टोकन उन्होंने सप्लाई किए थे सबके सब सोल्ड आउट हो गए थे। ये बात क्या बताती है? दिस शोज द डिमांड ऑफ द टोकन इन द मार्केट, इनकी वैल्यूएशन बताती है इन द मार्केट, और आने वाले टाइम में इस टोकन की, इस प्लेटफॉर्म की कितनी वैल्यू है मार्केट में, ये बात यही चीज दर्शाती है। आज की डेट में भी अगर आप XT.com पे जाते हैं तो इन्होंने अपना टोकन लॉन्च किया था $10 से, और आज की डेट में अगर आप XT.com पे जाके देखेंगे तो इनकी इसी टोकन की रेट हो चुकी है more than $15। जी हाँ, मतलब अगर आपने $10 पे ये टोकन बाय किया होता जनवरी में तो आज आपकी टोकन की रेट ही $15 हो चुकी होती, कि आपका $5 का मुनाफा तो यहाँ ऐसे ही हो जाता। अगेन, अगर आप ट्रेडिंग में हैं और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो यू शुड इन्वेस्ट इन WYS। दिस इज वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी विच यू शुड नॉट मिस। ये टोकन दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है, आप खुद XT.com पे जाके इसकी रेट चेक कर सकते हो, इसकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। $10 से मात्र एक महीने में इन्होंने $15 तक का सफर तो अभी ही तय कर लिया है, तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम में इस टोकन का वैल्यूएशन कितना बढ़ने वाला है इन टू द मार्केट। नाउ गोइंग फॉरवर्ड हम बात करेंगे आज के जो प्रोडक्ट हम आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, हम आज उसकी बात करेंगे। हम समझेंगे कि क्रिप्टो फार्मिंग क्या होता है, क्यों आपको क्रिप्टो फार्मिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और आप यहाँ पे क्या बेनिफिट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्रिप्टो फार्मिंग होता क्या है। क्रिप्टो फार्मिंग अलाउज यू टू अर्न रिवॉर्ड्स बाय स्टैकिंग और लॉकिंग टोकन्स इन लिक्विडिटी पूल्स। इसका मतलब क्या हुआ? आप अपना इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो फार्मिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लॉक या स्टैक करते हैं और आपको प्लेटफॉर्म उसके ऊपर रिवॉर्ड्स देता है, रिटर्न्स देता है। सो दिस इज व्हाट क्रिप्टो फार्मिंग इज एंड यू टेक द एडवांटेज ऑफ इट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों आपको क्रिप्टो फार्मिंग चूज करना चाहिए। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, आप नए हो या पुराने हो, व्हाई दिस इज द ऑप्शन फॉर यू। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज सेफर अर्निंग वर्सेस वॉलेटाइल क्रिप्टो ट्रेडिंग। इसका मतलब क्या हुआ? आप सब जो भी ट्रेडिंग करते होंगे या जिन्होंने भी ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा, हम ट्रेडिंग में कभी भी ये गारंटी नहीं ले सकते कि हमारा पैसा मतलब बढ़ेगा ही, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, ना ही आप ये गारंटी ले सकते हो कि आपका नुकसान कभी भी ट्रेडिंग में नहीं होगा। ये दोनों बात की गारंटी हम ट्रेडिंग में नहीं ले सकते, ये मार्केट वॉलेटाइल है। बट अगर मैं बात करती हूँ क्रिप्टो फार्मिंग की, तो यहाँ पे आप गारंटी के साथ में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं विद द एक्सपेक्टेशन कि आपका यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट होगा और लॉस बिल्कुल नहीं होगा, मतलब जीरो लॉस आपका यहाँ पे होगा, बट प्रॉफिट आपका यहाँ पे 110% होना ही होना है। इसी के साथ में सेकंड एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो टेक एडवांटेज ऑफ अट्रैक्टिव रिवॉर्ड रेट्स। आपको क्रिप्टो फार्मिंग में ऑप्शन मिलता है कि जितना आप नेटवर्किंग कर रहे हैं, जितना आप अपने अंदर लोग जोड़ रहे हैं और वो भी इस प्लेटफॉर्म पे आके अगर फार्मिंग परफॉर्म करते हैं तो आपको उसका भी एडिशनल बेनिफिट मिलता है, एडिशनल रिवॉर्ड मिलता है जो आपको यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाता है। अर्न यील्ड्स विदाउट एक्टिव ट्रेडिंग और रेफरल्स। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप अपने नीचे नेटवर्किंग नहीं भी कर रहे हैं, आप सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, तो
तो आप अपना इन्वेस्टेड अमाउंट करके भूल सकते हो, क्योंकि आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे भी आपको यहाँ पे एक बहुत गुड रिटर्न मिलता है, एक हैंडसम रिटर्न आप तब भी अर्न करते हो विदाउट गेटिंग इनटू नेटवर्किंग और विदाउट एडिंग एनी पीपल बीनीथ यू, तब भी आपको आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे यहाँ पे रेफरल मिले, आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। प्लस फार्मिंग इज वेरी इजी टू स्टार्ट, यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स सेटअप की जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें मार्केट नॉलेज की बहुत जरूरत होती है, टेक्निकल फंडामेंटल नॉलेज हमें बहुत पता होना चाहिए, मार्केट एनालिसिस आना चाहिए, तभी हम हमारे लॉस को मिनिमम और प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सकते हैं। लेकिन फार्मिंग में आपको इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आप नए भी हैं एंड आप क्रिप्टो फार्मिंग में बिल्कुल न्यू हैं एंड यू आर थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग, देन दिस इज द ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज दिस इज द सेफेस्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका अमाउंट इन्वेस्ट करना है एंड एज आई सेड आपको यहाँ पे गारंटीड प्रॉफिट मिलेगा और लॉस आपका यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। तो बिना किसी नॉलेज के आप यहाँ पे इजीली स्टार्ट कर सकते हैं एंड यू कैन गेन द बेनिफिट ऑफ द सेम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि आपको वाई स्केल क्यों यूज करना चाहिए। अगर आप फार्मिंग में जा रहे हो तो वाई वाई स्केल इज द ऑप्शन फॉर यू। सो वेरी फर्स्ट पॉइंट हियर इज थरो ऑडिट्स ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ, दिस प्लेटफॉर्म इज प्रोवाइडिंग यू ऑडिट रिपोर्ट्स। आपको ये टाइम टू टाइम ऑडिट रिपोर्ट्स देता है जिससे यू कैन एनालाइज कि कितना आपके पास मिंटिंग के लिए अवेलेबल है, क्या परफॉर्मेंस चल रहा है टोकन का, व्हाट इज द एनालिटिक रिपोर्ट, सो दैट यू कैन टेक अ माइंडफुल डिसीजन जो भी आपने इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो फार्मिंग में आपका कर रखा है। इंश्योरेंस फंड कवर्स लॉसेस फ्रॉम एक्सप्लॉइट। इसका मतलब क्या हुआ, तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है कि अगर मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट डूब गया तो यहाँ पे आप अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पे इंश्योरेंस ले सकते हैं फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, ताकि अगर दुनिया पूरी शटडाउन भी हो जाए तब भी आपको आपका पैसा गारंटीड मिल जाएगा, 1% का भी आपका यहाँ नुकसान नहीं होगा। केयरफुल पूल सिलेक्शंस, सो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शंस है डिफरेंट डिफरेंट पूल्स के, जिसे आप अपने सहूलियत के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो और अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो आपको जो पूल सबसे ज्यादा सूटेबल लगता है उस पूल में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपना जो गेन है उसे मैक्सिमाइज कर सकते हो। फोरकास्ट टू वॉर्न डिटोरिएटिंग यील्ड्स, इसका मतलब क्या हुआ, द प्लेटफॉर्म इज गिविंग यू, आपको टाइम टू टाइम ये प्लेटफॉर्म जानकारी दे रहा है कि आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स एंड इन्वेस्ट माइंडफुली। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे थ्रू द प्लेटफॉर्म मिल जाती है। कंप्लाइंट विथ इवॉल्विंग रेगुलेशंस, अब जब ये इथेरियम लाइब्रेरी पे जा रहा है, आने वाले टाइम पे आगे जब हम आगे बात करेंगे तो ये बिटकॉइन पे भी जाने वाला है, आर वर्किंग अंडर दी रेगुलेशंस, दैट इज व्हाई दे आर गेटिंग दी रिकॉग्निशन। अंटिल एंड अनलेस दे आर नॉट वर्किंग अंडर दी रेगुलेशंस, इनको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा होता, तो दे आर वर्किंग अंडर दी रेगुलेशंस ऑफ द क्रिप्टो करेंसी, कोई मनमानी नहीं है, एब्सोल्युटली रेगुलेटेड वर्क आपको यहाँ पे मिलता है, रेगुलेटेड रूल्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आप सेफर इन्वेस्टमेंट में जा रहे हो, एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट में जा रहे हो, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने जा रहे हो जो बहुत सिक्योर है एंड सिक्योर्ड वे में वो अपनी जर्नी को आगे टेक फॉरवर्ड कर रहा है। इसी के साथ में हम समझते हैं कि डब्ल्यू वाई एस की टोकनॉमिक्स क्या है, मतलब आपके पास में अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, सो व्हाट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द टोकन्स फॉर यू हियर। तो यहाँ पे आपको टोटल सप्लाई जो टोकन्स का मिलेगा वो 40 मिलियन मिलता है। तो टोटल सप्लाई जो यहाँ पे टोकन्स की रहेंगे वो 40 मिलियन। फार्म मिंटिंग, जब जो फार्म मिंटिंग के लिए टोकन्स अवेलेबल होंगे वो 9 मिलियन ही अवेलेबल होंगे, जिसमें से 6 मिलियन ऑलरेडी XT.com पे लिस्ट हो चुके हैं
और 3 मिलियन टोकन्स अपकमिंग साइकिल में आने वाले हैं। हार्वेस्टिंग रिवॉर्ड्स, जब भी हम फार्मिंग करते हैं तो वी जनरेट फ्रूट्स आउट ऑफ इट, वो फ्रूट्स आपके रिवॉर्ड्स हैं। तो यहाँ पे जो टोटल आपका रिवॉर्ड निकलेगा वो कितना निकलेगा, 27.8 मिलियन टोकन्स का निकलेगा ऑन योर इन्वेस्टमेंट। तो जो 9 मिलियन जो भी फार्मिंग मिंटिंग हो रही है उसका हार्वेस्टिंग रिवॉर्ड कितना निकल रहा है, टोटल 27.8 मिलियन टोकन्स का। अच्छा, यहाँ पे जो मिंटिंग होने वाली है वो क्वार्टरली मिंट होगा। क्वार्टरली कितना मिंट होगा, 1.67 मिलियन भी हर क्वार्टर में यहाँ पे मिंट होने वाला है, एंड ये 6 इयर्स तक होगा। अब आप जरा सोचिए कि इंफॉर्मेशन आपको क्यों अवेलेबल करवाई जा रही है। तो दिस प्लेटफॉर्म वॉन्ट्स कि इनके साथ में जो भी एसोसिएट हो रहा है, जो भी इस प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ने का सोच रहा है, उसके पास में एक ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन हो, जिससे उनको पता हो कि टाइम टू टाइम उनके पास में कितने टोकन्स होंगे अवेलेबल टू मिंट। एंड ये ट्रांसपेरेंट के साथ में इंफॉर्मेशन सारे होल्डर्स के पास में अवेलेबल हो, इसीलिए दिस प्लेटफॉर्म वॉन्ट्स टू कीप इट वेरी ट्रांसपेरेंट विथ द पीपल एसोसिएटिंग विद द प्लेटफॉर्म। ऑपरेशंस, मार्केटिंग और लिस्टिंग के लिए भी इन्होंने अपना एक अमाउंट रिजर्व कर रखा है, दैट इज 500K का। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स अंडरस्टैंड द पूल्स दे आर ऑफरिंग फॉर यू टू इन्वेस्ट इन फार्मिंग। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पूल्स जो आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवा रहा है। आप इन तीन पूल में से कोई भी पूल सेलेक्ट कर सकते हो फार्मिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। पूल नंबर वन क्या है? सो पूल नंबर वन इज, आप यहाँ पे 100% WYS के टोकन्स के साथ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ 100% WYS टोकन, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। सबसे पहली चीज, अभी WYS के टोकन्स कहाँ से बाय करेंगे? तो जैसे कि मैंने बताया, दिस इज XT.com, ये हमारी साइट है, सॉरी ये एक्सचेंज है XT.com का। आप इसको यू कैन टाइप दिस वेबसाइट, अगर आप नहीं लॉग्ड इन है तो यहाँ पे आप लॉग इन करिए। लॉग इन करके सर्च फॉर WYS के टोकन, यू कैन सर्च फॉर दिस टोकन एंड देन यू कैन बाय फ्रॉम हियर। आप यहाँ पे किसी भी USDT से इन टोकन्स को बाय कर सकते हो। ऑल यू हैव टू पुट इज द अमाउंट ऑफ टोकन्स यू वॉन्ट टू परचेज और आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। अनादर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एंड वेरी एक्साइटिंग पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू इज कि आप यहाँ इस पूल में चाहे तो 1 WYS टोकन, मतलब मिनिमम आप यहाँ पे 1 WYS टोकन से लेकर मैक्सिमम 5,000 WYS टोकन तक पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो एवरीवन कैन ज्वाइन द पूल, आप सब ये पूल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे बाउंडेशंस नहीं है कि आपको कितना मिनिमम इन्वेस्ट करना है। आप 1 WYS के साथ में भी इस पूल में पार्टिसिपेट करके बेनिफिट्स ले सकते हो जो आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। अब आते हैं हम लोग बेनिफिट्स के ऊपर एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट बेनिफिट्स यू आर गेटिंग हियर। तो मान लेते हैं कि अगर आप 1,000 WYS यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 1,000 WYS पे आपको यहाँ पे कितना पैसे मिल रहा है, 3.75% आपको यहाँ पे मिलता है। तो ये जो 3.75% ये आपको कब तक मिलेगा, फॉर 24 मंथ। तो आपका लॉक इन पीरियड यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका लॉक इन पीरियड है 2 साल का। ये 2 साल के अंदर आपके पास में आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे, मतलब अगर आप नेटवर्किंग नहीं कर रहे हो अपने नीचे, यू आर नॉट ब्रिंगिंग पीपल एंड दे आर नॉट यू नो गेटिंग एनी डायरेक्ट जो इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, तो भी आपके पास में चांस है 3.75% यहाँ पे अर्न करने का एवरी मंथ। कब तक, फॉर 24 मंथ्स। और अगर आप अपने नीचे नेटवर्किंग ला रहे हैं, आप अपने नीचे यू नो यू आर एडिंग अप मोर पीपल बीनीथ यू, तो आपके पास में यही चांस बढ़ जाता है अपनी इनकम को 2x करने का। तो आप सोच सकते हैं कि आप अपने 1,000 पे यहाँ पे 2x कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ आपका एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं,
अगर आप यहाँ पे बात करते हैं 3.75% की, तो यहाँ पे आपको ये तो एवरी मंथ मिल ही रहा है, प्लस आफ्टर 24 मंथ आपको आपका प्रिंसिपल भी पूरा का पूरा मिल जाता है, बिना कुछ डिडक्ट हुए आपको आपका पूरा प्रिंसिपल मिल जाता है। सिमिलरली अगर आपका अमाउंट 2x हो जाता है, तो उसके बाद में आपका जो नेटवर्किंग और रेफरेंस है, 2x होने के बाद में भी आपको आपके 24 मंथ्स के बाद में यू गेट योर 100% प्रिंसिपल हियर। जो भी आपने इन्वेस्ट किया है वो आपको 24 मंथ्स बाद 100% मिल जाता है। सिमिलरली अगर मैं 36 मंथ्स की बात करती हूँ, मतलब आप 3 साल के लॉक इन पीरियड पे जाते हैं, तो यही पैसिव इनकम आपकी हर महीने हो जाती है 4.55%, और 36 मंथ तक ये आपको मिलती है। अगर आप अपने नीचे नेटवर्किंग करते हैं, अपने नीचे लोगों को जोड़ते हैं, तो ये इनकम आपकी हो जाती है 4x। मतलब अगर आप 1000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो थ्रू नेटवर्किंग यू हैव अ चांस टू गेट 4000। और अगेन दोनों ही केस में आपको 36 मंथ के बाद में आपका प्रिंसिपल अमाउंट 100% मिल जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये जो आप 4.55% यहाँ पे देख रहे हैं, या 3.75% आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आज की डेट से है जो WYS की चल रही है। मतलब मान के चलिए अगर WYS की रेट बढ़ती जा रही है, जो कि आप देख रहे हैं कि इट इज राइजिंग एवरी डे, तो जितनी ये बढ़ती जाएगी उतना आपका यहाँ पे परसेंटेज भी इंक्रीज होता जाएगा। मतलब यही परसेंटेज आपका 5% हो सकता है, 7% हो सकता है, 10% हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्रीमेंट इन द WYS टोकन रेट्स। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करने की है कि यहाँ पे आपको टोटल प्रॉफिट, अगर मैं बात करती हूँ टोटल प्रॉफिट का, तो आपको यहाँ पे टोटल मंथली प्रॉफिट कितना एज अ पैसिव इनकम मिल रहा है, इसको भी जरा सा हम कैलकुलेट करके देखते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं कि आपके पास में कितना पोटेंशियल यहाँ पे बन पा रहा है। तो अगर मैं 36 मंथ की बात करती हूँ कि आपने 3 साल के लॉक इन पीरियड पे अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे मान लेते हैं आपकी पैसिव इनकम जो हो रही है वो 4.55% हो रही है। इसको अगर मैं 36 मंथ से इंटू करती हूँ, तो आप टोटल यहाँ पे 163.8% का गेन हासिल कर रहे हैं अपनी प्रिंसिपल अमाउंट पे। अब आप ये भी भूल रहे होंगे शायद कि आपको 36 मंथ बाद आपका 100% प्रिंसिपल मिल जाता है, तो मैं आपका 100% प्रिंसिपल भी यहाँ पे प्लस कर लेती हूँ, तो आपका टोटल बेनिफिट यहाँ पे हो जाता है 263.8% का। और अगर आप इसी को डिवाइड करेंगे 36 से, जो कि आपकी 36 मंथ का इन्वेस्टमेंट है, तो आपको यहाँ पे 7.3% का टोटल गेन हो रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप सबसे सिक्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर FDs को मानते हैं, तो FDs भी आपको सालाना सिर्फ 7% देता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर कोई बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा होगा, तो दैट इज 7 मंथ, और वो भी आपका सालाना होता है। वेर इन अगर आज आप फार्मिंग में इन्वेस्ट करते हो एट वाई स्केल, आपको यही प्रॉफिट हर महीने अपने अकाउंट में मिल रहा है। सो यू आर गेटिंग 7.3% का प्रॉफिट इन योर अकाउंट एवरी मंथ। आप जरा सोचिए दैट हाउ बेनिफिशियल दिस प्लान कुड बी, और यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट करना कितना असेंशियल होना चाहिए, और यहाँ आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये आपको गारंटी मिलने वाला है ऑन योर इन्वेस्टेड अमाउंट। सो थिंक अबाउट इट कि ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्यों होना चाहिए, क्योंकि इतना आपको रिटर्न और कहीं नहीं मिलेगा जो आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल रहा है, या आप यहाँ पे इसका बेनिफिट ले सकते हैं। एंड अगेन द पॉइंट टू नोट इज, जैसे जैसे WYS की रेट बढ़ेगी, ये जो 7.3% है, या जो आपको 4.55% यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, ये भी बढ़ता जाएगा। मतलब 10%, 11%, 12%, ये परसेंटेज वाइज बढ़ता जाएगा जैसे जैसे WYS की रेट बढ़ती जा रही है। तो ये तो हुआ आपका 100% पार्टिसिपेशन विथ WYS के टोकन्स के साथ में। सिमिलरली अगर आप सेकेंड पूल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो
तो उसकी कंडीशंस क्या हो जाती है? उसकी कंडीशंस हो जाती है कि आप सेकंड पूल में पार्टिसिपेट कर सकते हो विद WYS टोकन एंड अर्बिट्रम टोकन्स। तो WYS टोकन्स आपको यहाँ पे कितने चाहिएंगे? WYS टोकन्स आपको यहाँ पे 60% डिपॉजिट करने होंगे और अर्बिट्रम के टोकन्स आपको यहाँ पे 40% डिपॉजिट करने होंगे। तो विद दिस रेशियो आपका ये 100% का रेशियो बनेगा, 60% WYS, 40% अर्बिट्रम, एंड देन यू कैन पार्टिसिपेट इन पूल नंबर टू। अब पूल नंबर टू के भी बेनिफिट्स देख लेते हैं। अगर आप 2 साल के लॉक इन पीरियड पे जा रहे हैं, अगेन यू हैव अ चांस टू अर्न पैसिव इनकम, दैट इज 2.5% जो हर महीने आपके अकाउंट में आएगी टिल 24 मंथ्स। वहीं अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हैं तो आप वही अमाउंट को 2x तक कर सकते हैं, एंड दोनों केस में आपको आफ्टर 24 मंथ्स यू आर गेटिंग योर प्रिंसिपल एज वेल। सिमिलरली अगर आप 36 मंथ के प्लान के साथ में जाते हैं, मतलब 3 इयर्स के लॉक इन पीरियड पे जा रहे हैं, तो पैसिव इनकम आपकी 3.85% यहाँ पे आती है फॉर 36 मंथ प्लस योर प्रिंसिपल। अगर यही आप नेटवर्किंग भी करते हैं तो आपका यहाँ पे अमाउंट आप 4x तक कर सकते हैं, एंड प्लस योर प्रिंसिपल इज व्हाट यू आर गेटिंग हियर एज वेल। सो अगेन दिस इज नॉट यू नो स्मॉल ऑफरिंग विच द प्लेटफॉर्म इज ऑफरिंग यू, इट्स अ ह्यूज बेनिफिट विच यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ, और दिस इज द करेक्ट टाइम व्हेन यू कैन थिंक ऑफ द सेम। अब पूल नंबर थ्री पे जाते हैं, तो पूल नंबर थ्री में पार्टिसिपेट करने के लिए यू विल रिक्वायर इज WYS एंड BNB के टोकन्स। तो आप यहाँ पे WYS और बाइनेंस के टोकन्स के साथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 50% आपको यहाँ पे WYS डिपॉजिट करना होगा और 50% आपको यहाँ पे BNB के टोकन्स डिपॉजिट करने होंगे, तभी आप इस पूल में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगेन यहाँ पे आप पैसिव इनकम ले सकते हो 2.85%। अगर आपने 2 साल का लॉक इन पीरियड लिया है तो 24 मंथ्स तक आपको ये मिलेगी प्लस योर प्रिंसिपल। अगर आप नेटवर्किंग और अपने अंदर लोगों को जोड़ते हैं तो यही अमाउंट आप 2x तक कर सकते हो, एंड प्लस योर प्रिंसिपल इज व्हाट यू विल गेट। सिमिलरली अगर आप 3 इयर्स के लॉक इन पीरियड पे जा रहे हैं तो यहाँ पे आपकी पैसिव इनकम होती है 4.10% जो आपको हर महीने मिलेगी 36 मंथ तक प्लस योर प्रिंसिपल। और अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हैं तो यही इनकम आप 4x तक कर सकते हैं, प्लस योर प्रिंसिपल इज व्हाट यू आर गेटिंग हियर। मूविंग फॉरवर्ड लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड फ्यू ऑफ द की पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। 1% ऑफ ट्रांजैक्शन फीस रैंडमली बर्न टू डिक्रीज टोकन सप्लाई। तो बर्निंग प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं। बर्निंग प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें टोकन्स को बर्न किया जाता है सो दैट सप्लाई को लिमिट किया जा सके। ये जो मैकेनिज्म है ये हर एक प्लेटफॉर्म यूज करता है, इसका 1% ट्रांजैक्शन फी लगता है। यूजर्स कैन विड्रॉ फार्म्ड WYS टोकन विदाउट एनी विड्रॉल फी। अगर आप अपने फार्म टोकन्स को विड्रॉ करना चाहते हैं तो क्या आपकी विड्रॉल फी यहाँ पे लगेगी? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, आपकी यहाँ पे कोई भी विड्रॉल फी नहीं लगने वाली है। बट येस द पॉइंट टू नोट हियर इज कि मिनिमम जो आप यहाँ पे फार्म टोकन्स विड्रॉ कर सकते हो वो $10 तक है, मैक्सिमम इज अनलिमिटेड, बट मिनिमम आपको $10 ही आप एक बार में विड्रॉ कर सकते हो और आपकी कोई भी विड्रॉल फी यहाँ नहीं लगने वाली है। तो आप वेरी इजीली यहाँ पे अपना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, 100% के साथ में आप उसे विड्रॉ करके यू कैन टेक द बेनिफिट एंड एंजॉय द बेनिफिट ऑफ द सेम। एसेट वैल्यू अदर देन WYS विल बी बेस्ड ऑन करंट WYS एक्सचेंज रेट। मतलब अगर आपने $10 से WYS में इन्वेस्ट किया होता और आज की डेट में अगर आप WYS को बेच रहे होते तो आप उसे $15 से बेचते, तो आपका ऑलरेडी यहाँ पे हर WYS पे $5 का बेनिफिट हो चुका होता। सो अगेन द पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर इज कि जैसे जैसे WYS का रेट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका यहाँ पे पैसिव इनकम भी बढ़ता जाएगा। अगेन
बहुत ही जल्द हम ऑन मेटा और एल्पाइन पे आने वाले हैं। सो जो अभी ट्रांजेक्शन आप यूएसडीटी से कर रहे हो, वही ट्रांजेक्शन आपके यूपीआई से भी पॉसिबल हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू डू दी ट्रांजेक्शन इन INR एज वेल। वी आर ब्रिजिंग अक्रॉस मल्टीपल चेन। सो सिर्फ यहाँ पे WYS के साथ में हमने प्लान नहीं रखे हैं। यू कैन सी कि हमने जो पूल्स रखे हैं उसमें हमने चांस रखा है आपकी सहूलियत के लिए, आपकी इजीनेस के लिए, कि आप आर्बिट्रम और बाइनेंस के साथ में भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बोला, बाय वाई स्केल शुड बी द ऑप्शन फॉर योर डेफी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे हम एक तरीके का आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आपके पास में चांस है कि आप यहाँ पे FDs में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, स्टैकिंग में इन्वेस्ट करो, और जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस पे आप मैक्सिमम रिटर्न्स यहाँ पे ले सके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पैसिव हार्वेस्टिंग इनकम अपॉर्चुनिटी, मतलब आप टोटल APY यहाँ पे कितना गेन कर रहे हैं एज अ पैसिव इनकम। तो इसको समझने से पहले हम पैसिव इनकम सबसे पहले समझते हैं। पैसिव इनकम क्या होती है? दिस इज दैट इनकम जो आपको मिलती है ऑन योर इन्वेस्टेड अमाउंट, मतलब प्लेटफॉर्म इज गिविंग यू अ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट यू हैव डन टू द प्लेटफॉर्म। तो ऐसी जो इनकम आपके पास में आती है उसे हम पैसिव इनकम कहते हैं। इसमें आपको नेटवर्किंग, अपने नीचे लोगों को जोड़ने की जरूरत नहीं होती है। ये रिटर्न आपको आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे मिलता है, ये सबको मिलता है। सो दिस इनकम इज सेड टू बी पैसिव इनकम। अब यहाँ पे आपके पास में चांस है फ्रॉम 30% टू 55% APY अर्न करने का एज अ पैसिव इनकम, मतलब जो अमाउंट आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उस अमाउंट पे आपको 30 टू 55% का APY दिस प्लेटफॉर्म इज गिविंग यू। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पे $1,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं आज की डेट में, तो अगर 30% ऑफ 1,000 इज $300 का आप यहाँ पे गेन कर रहे हैं ऑन योर इन्वेस्टेड अमाउंट। सिमिलरली अगर आप 55% यहाँ पे गेन करते हैं तो उसी $1,000 पे आप 550 एक्स्ट्रा गेन कर रहे हैं ऑन योर इन्वेस्टेड अमाउंट। सो दिस इज नॉट अ स्मॉल रिटर्न विच यू आर गेटिंग हियर, इट इज अ ह्यूज रिटर्न विच यू आर गेटिंग हियर। बैक टू द सेम पॉइंट, अगर आप FDs में भी इन्वेस्ट करते हैं या बैंक में भी पैसा रखते हैं तो 4% से लेकर आपका मैक्सिमम 7% तक जा सकता है ईयरली, लेकिन यहाँ पे आप 30% से 55% तक ईयरली गेन कर रहे हो अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पे। सो दिस इज अ वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी विच द प्लेटफॉर्म इज ऑफरिंग ऑल ऑफ यू हियर। मूविंग फॉरवर्ड लेट्स अंडरस्टैंड दैट पैसिव इनकम तो सबके लिए अवेलेबल है, बट द वंस हु आर गेटिंग दी नेटवर्क्स बीनीथ देम या अपने नीचे डायरेक्ट्स ला रहे हैं, लेवल्स ज्वाइन करवा रहे हैं, उनके पास में 5 मोर बेनिफिट्स एड ऑन हो जाते हैं जिससे वो अपनी इनकम को 2x या 4x यहाँ पे कर सकते हैं। ये 5 बेनिफिट्स या 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स क्या क्या हैं? आप यहाँ पे डायरेक्ट रेफरल से अर्निंग कर सकते हो, लेवल इनकम है, रैंक बोनस है, ग्लोबल पूल है एंड रैंक बूस्टर है। तो कि इसके अंदर आप एक्स्ट्रा क्या क्या बेनिफिट्स गेन कर रहे हो और क्या क्या कंडीशंस हैं जो आपको मीट आउट करनी पड़ेगी टू गेट दीज बेनिफिट्स इन योर पॉकेट। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट रेफरल इनकम की। तो अगर मैं डायरेक्ट रेफरल इनकम की बात करती हूँ तो डायरेक्ट रेफरल इनकम का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट रेफरल इनकम है कि आपने अपने अंदर किसी को जोड़ा और उसने इसमें इन्वेस्ट किया, वो आपका रेफरेंस हो गया, वो आपका डायरेक्ट हो गया। तो मान लेते हैं कि आपके डायरेक्ट ने यहाँ पे $1,000 से इन्वेस्टमेंट किया, आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म 10% पे आउट दे रहा है ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? 1,000 अगर 1,000 WYS से आपके डायरेक्ट ने इन्वेस्ट किया इनटू द फार्मिंग, तो उसका 10% कितना होता है? 100 WYS इज व्हाट यू आर गेटिंग हियर एज एन एक्स्ट्रा बेनिफिट। अगेन अगर आपका डायरेक्ट री इन्वेस्ट करता है, मतलब इफ द डायरेक्ट इज री इन्वेस्टिंग विथ
1000 WYS मोर, तो आपके पास में अगेन चांस है 10% पे आउट और क्लेम करने का, यहाँ पे एक्स्ट्रा अर्न करने का। तो आपका टोटल यहाँ पे उस डायरेक्ट से जो पे आउट निकल रहा है वो 100 प्लस 100 हो जाएगा, दैट इज 200 WYS तक आप यहाँ पे एक्स्ट्रा गेन कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग एज अ डायरेक्ट रेफरल एक्स्ट्रा इनकम हियर। इफ आई टॉक अबाउट दी लेवल इनकम्स, तो अगर आप लेवल इनकम की बात करते हैं, आपके डायरेक्ट के नीचे कोई रेफरेंस आता है एंड दे इन्वेस्ट इनटू द फार्मिंग, आपका वो लेवल 2 हो जाता है, और लेवल 2 पे आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा 5% का बेनिफिट मिलता है। सिमिलरली आपके लेवल 2 के नीचे जैसे आपका लेवल 3 आता है, तो आपके लेवल 3 पे आप एक्स्ट्रा 1% और गेन करते हैं, लेवल 4 पे आप एक्स्ट्रा 1% और गेन करेंगे, लेवल 5 पे आप एक्स्ट्रा 1% और गेन करेंगे। सिमिलरली जैसे ही आपका लेवल 6 होता है, तो यही एक्स्ट्रा आपका 0.5% हो जाता है, 7 पे आप 0.5% गेन कर रहे हैं, 8 पे आप 0.5% गेन कर रहे हैं, एंड सिमिलरली 8, 9, 10, 11, 12, 15 हर एक लेवल पे आप 0.5% एक्स्ट्रा गेन कर रहे हैं। और यही मान लीजिए अगर आपने 15 लेवल्स तक अचीव कर लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इस पूरे का टोटल होगा दैट इज 13% जो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा लेवल इनकम गेन करने का अपॉर्चुनिटी रखते हैं, या आप यहाँ पे एक्स्ट्रा 13% गेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको रैंक बोनसेस अनलॉक करने हैं तो उसकी क्या कंडीशंस हैं। तो वेरी सिंपल कंडीशन इन्होंने यहाँ पे रखी है, 70% बिजनेस आपका स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन से होना चाहिए और 30% बिजनेस आपका रिमेनिंग लाइन से होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो 70% मतलब आपकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन चल रही है उसमें से आपको कितना बिजनेस लाना है, 70% आप बिजनेस ले आते हैं और 30% आपकी मिला के सारी लाइन बिजनेस कर लेती है, तो आप रैंक बोनसेस को अनलॉक कर पाएंगे। तो मान लेते हैं कि आपकी 70% जो लाइन चल रही है उसमें से आपने 350 WYS का बिजनेस किया है, और जो आपकी 30% की रिमेनिंग लाइन्स चल रही है उसमें से आपने 150 WYS का बिजनेस किया है, तो ये टोटल आपका हो जाता है 500 WYS का बिजनेस। और जो रैंक आप यहाँ पे अनलॉक करते हैं वो रैंक है ब्रॉन्ज रैंक। अब आपको यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म एज अ बेनिफिट दे रहा है वो है 2% यील्ड ऑफ 500। 2% यील्ड ऑफ 500 का मतलब क्या हुआ, आपको यहाँ पे 10 WYS के टोकन्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट 10 WYS टोकन्स मिल जाएंगे जैसे ही आप रैंक अनलॉक करते हैं। सिमिलरली अगर आप सिल्वर रैंक अनलॉक करते हैं तो टोटल टीम बिजनेस यहाँ पे 1000 का चाहिएगा, एडिशनल आपने 500 का किया है, 500 का 2% यील्ड आपको यहाँ पे 10 WYS का 10 WYS टोकन्स मिलेंगे। अगर आपने गोल्ड अचीव किया है, आपको यहाँ पे 2500 का बिजनेस आपने यहाँ पे किया है, एक्स्ट्रा आप यहाँ पे 1500 का बिजनेस कर रहे हैं, तो उसका 2% आपको यहाँ पे 30 WYS टोकन्स मिल रहे हैं, एंड ये तो आपको मिल ही रहा है। ठीक है, गोल्ड तक आने के लिए आपने ब्रॉन्ज भी अचीव किया है, सिल्वर भी अचीव किया, एंड देन गोल्ड अचीव किया, तो दीज आर व्हाट यू आर ऑलरेडी गेटिंग, 10 प्लस 10 प्लस 30 WYS टोकन्स इज व्हाट यू आर गेटिंग इन टोटल, दैट मीन्स 50 WYS टोकन्स आपको गोल्ड तक मिल जाएंगे। तो सिमिलरली जैसे जैसे आपका रैंक बोनस बढ़ता जाएगा, आपका अचीवमेंट बढ़ता जाएगा, तो आपको हर रैंक के हिसाब से आपके WYS मिलते जाएंगे और एडिशनल WYS आपके एड ऑन होते जाएंगे एज योर टीम परफॉर्म्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड लेट्स अंडरस्टैंड दी रैंक बूस्टर लेवल। तो अभी तक हमने बात करी थी लेवल 15 तक, व्हाट इफ अगर आपके नीचे लेवल 16 जुड़ता है, ये लेवल 16 आता है तो क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सफायर रैंक हासिल करना होगा। तो सफायर रैंक क्या होता है ये देख लेते हैं। सफायर रैंक के लिए आपको 25,000 का बिजनेस लाना होगा, टीम बिजनेस लाना होगा, तब भी आप लेवल 16 के रैंक बूस्टर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब यहाँ पे आपको 300 WYS तो मिल ही रहा है, प्लस आपको यहाँ
पे जैसे ही लेवल 16 आता है तो आपको एडिशनल आप यहाँ पे 0.5% का बेनिफिट ले सकते हैं, 17 पे 0.5%, 18 पे 0.5%, 19 पे 0.5%, 20 पे 0.5%। तो मतलब अगर आपने 20 लेवल्स तक कर लिए तो इन टोटल आप 2.5% का बेनिफिट यहाँ पे लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और कंडीशन है कि मिनिमम आपको 500 WYS का बिजनेस तो करना ही है हर महीने, और यहाँ पे आपको 70% बिजनेस चाहिएगा अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन से, और 30% आपको रिमेनिंग लाइन से बिजनेस अचीव करना होगा। ये कंडीशन सेम ही रहेगी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड दिस एक्साइटिंग रिवॉर्ड व्हिच द प्लेटफॉर्म इज गिविंग यू। दिस इज ग्लोबल पूल बोनस। ये आपको ग्लोबल टर्नओवर में से मिल रहा है, मतलब अगर कंपनी 100 करोड़ का बिजनेस कर रही है तो उसमें से आपके पास में चांस है टू गेट दिस बेनिफिट, टू गेट दिस रिवॉर्ड। इसके लिए क्या कंडीशंस हैं? तो आपको यहाँ पे मिनिमम 10,000 का टीम बिजनेस करना होगा। 10,000 या उसके ऊपर का आप टीम बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे आप 1.5% फ्रॉम ग्लोबल टर्नओवर अचीव करते हैं, जो आपकी एंटायर टीम में डिवाइड हो जाता है। सिमिलरली अगर आप 50,000 का यहाँ पे बिजनेस अचीव करते हैं या उसके अबव का बिजनेस आप अपने टीम में लेकर आते हैं तो आप यहाँ पे एडिशनल 1% का ग्लोबल टर्नओवर में से बेनिफिट लेते हैं, जो आपके एंटायर टीम में डिवाइड हो जाता है। कंडीशंस अगेन रिमेन्स द सेम, 70% आपका स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन से होना चाहिए और 30% आपकी रिमेनिंग लाइन से बिजनेस होना ही चाहिए। अब लेवल अचीवमेंट कंडीशंस क्या है? तो लेवल अचीवमेंट कंडीशंस के लिए अगर आप एक डायरेक्ट लेकर आते हैं तब आपके 3 लेवल्स अनलॉक होंगे। मतलब अगर आपने एक रेफरेंस लेकर आते हैं जो इन्वेस्ट करता है इन टू फार्मिंग, तो आपके 3 लेवल्स अनलॉक हो जाते हैं। 3 references पे आपके 6 levels अनलॉक होंगे, 5 पे आपके 10, 7 पे 15 और 10 पे 20 आपके लेवल्स अनलॉक होंगे। मतलब अगर आप 20 levels अनलॉक करना चाहते हैं तो पहले आपको 10 directs अपने नीचे लाने होंगे। अब इसी के साथ में कुछ और बेनिफिट पॉइंट्स है जो आपको यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे एंजॉय करने को मिलते हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट पॉइंट ये है कि आप अपना वीकली पे आउट यहाँ पे ले सकते हैं। मतलब जो पैसिव इनकम आपके पास में आ रही है आप उसे वीकली क्लेम कर सकते हो, आप उसे वीकली विड्रॉ कर सकते हो। xt.com पे जाके आप इसको USDT में चेंज कर सकते हो। सो आप अपना वीकली पे आउट यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, या जो आप पे आउट ले रहे हो उसे वापस से इसी प्लेटफॉर्म पे री इन्वेस्ट करके इनके बाकी के प्रोडक्ट मे बी स्टैकिंग, फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, या फिर आप चाहें तो वापस से फार्मिंग में री इन्वेस्ट करके अपना और बेनिफिट यहाँ पे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपके पास में चांस है फ्रॉम द पूल्स कि आप यहाँ पे अपनी इनकम को, अपने इन्वेस्टेड प्रिंसिपल को 2x से 4x तक कर सकते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पे 2x से 4x आपका प्रिंसिपल हो जाता है बाय एनी मीन्स, तो आपको यहाँ पे टॉप अप करवाना होगा ताकि आप कंटिन्यूअस ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकें। तो मतलब आप तभी अपना एक्स्ट्रा अमाउंट क्लेम कर पाएंगे 2x के ऊपर का, जब आप उसका वापस से टॉप अप करवाएंगे। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर आप इस फार्मिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप मिनिमम टू मिनिमम 1 WYS से भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, और मैक्सिमम आप यहाँ पे 5,000 WYS डिपॉजिट करके भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। अपकमिंग डेवलपमेंट्स की बात करें तो वेरी सून दे आर कमिंग विद देयर ZK रोलअप्स। ये क्राउड फंडिंग में जा चुका है, $20 से अभी इसकी क्राउड फंडिंग चल रही है। वेरी सून इनका जो ZK ETH है लेवल 2, मतलब लेवल 2 अपनी ब्लॉकचेन बना ली है ZK ETH के लिए, ETH प्लेटफॉर्म के लिए, जिसके लिए इन्होंने जो Q3 Q4 तक आपको इथेरियम लाइब्रेरी पे ये भी दिख जाएगी। इसका बेनिफिट क्या है? लेयर 1 पे मैंने आपको स्टार्टिंग में इनकी ट्रांजैक्शन फी बताई थी,
1.-6 GUI जो अभी तक की सारी ब्लॉकचेन से सबसे लोएस्ट है। लेवल 2 पे इनकी वही फीस 0.0002 पे चली जाएगी, विच इज द लोएस्ट इन द एंटायर ब्लॉकचेन। और यहाँ पे आपका बेनिफिट और इंक्रीज हो जाएगा कि जो मिनिमम आप ट्रांजैक्शन फी अभी इंजॉय कर रहे हैं, आप उससे भी मिनिमम यहाँ पे ट्रांजैक्शन फी पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिमिलरली इनकी जो लेवल 2 की ब्लॉकचेन है वो ईथ की तो बन ही रही है, प्लस दे आर ऑल्सो डेवलपिंग इट फॉर BTC एज वेल, मतलब BTC के प्लेटफॉर्म पे भी आपको इनकी लेवल 2 ब्लॉकचेन वेरी सून दिख जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि जो ये सिक्योरिटी की मैं आपको इनिशियली बात कर रही थी कि हाउ सिक्योर दिस प्लेटफॉर्म इज, दिस शोज द प्रोग्रेस ऑफ दिस प्लेटफॉर्म शोज कि जिन बड़े नामों के साथ में जुड़ने जा रहा है वही इसकी सिक्योरिटी का ऑथेंटिकेशन है। दैट गिव्स द सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन कि आप जहाँ पे जुड़ रहे हैं वो कितना सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म है एंड वाई यू शुड इन्वेस्ट हियर। WYZ का कॉइन भी बहुत जल्द किसी ना किसी एक्सचेंज पे आ जाएगा एंड देन यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ बाइंग दैट एज वेल। नाउ सिंस यू आर हियर ऑन दिस कॉल, आप ये जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, द प्लेटफॉर्म इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू क्लेम योर WYZ फ्री एयर ड्रॉप। जी हाँ, आप अपने फ्री एयर ड्रॉप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। अब ये फ्री एयर ड्रॉप क्या है, तो जैसे कि मैंने बताया किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं उसका एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन फी प्लेटफॉर्म आपसे चार्ज करता है। सो राइट नाउ दिस प्लेटफॉर्म इज गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी कि आप अपने वो ट्रांजेक्शन फी को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लेम कर सके। जी हाँ, ये क्लेम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इस ट्रांजेक्शन फी को क्लेम करके सिर्फ एक ट्रांजेक्शन नहीं 100+ ट्रांजेक्शंस यहाँ पे कर सकते हैं और वो भी आपके फ्री ऑफ कॉस्ट ही होंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको सिंपल है, आपका मेटामास का अकाउंट डाउनलोड करना है। अगर आपने मेटामास नहीं डाउनलोड किया है तो आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर मेटामास का अकाउंट है तो वहां पे आपको अपने रेफरेंसेस से एक मैसेज लेना है जिसको आपको मेटामास में एड नेटवर्क पे जाके मैनुअली YZ का नेटवर्क ऐड करना होगा, फिलिंग दैट इंफॉर्मेशन जो आपको आपके रेफरल से मिलेगी। जैसे ही आपने वो इंफॉर्मेशन फिल किया आप उसे ऐड करेंगे, वो YZ का मेन नेट का नेटवर्क आपके मेटामास में ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद में आपको इस वेबसाइट पे आना है और क्लेम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लेम पे क्लिक करेंगे वो आपसे आपका हेक्साडेसिमल का एड्रेस पूछेगा मेटामास का, जो आपको मेटामास का एड्रेस है वो कॉपी करके वहां पे पेस्ट करना है एंड क्लेम पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लेम करते हैं वो अमाउंट आपको आपके मेटामास के वॉलेट में अवेलेबल हो जाएगा एंड देन यू कैन परफॉर्म द फार्मिंग और एनी अदर प्रोडक्ट वेयर यू वांट टू टेक पार्ट इन टू। आप वेरी इजीली उससे परफॉर्म कर सकते हैं और उसमें आप पार्ट ले सकते हैं। अब इसी के साथ में हम ये भी समझ लेते हैं कि अगर आप फार्मिंग करने में इंटरेस्टेड हैं, जो कि आपको होना चाहिए लुकिंग एट द अपॉर्चुनिटी द प्लेटफॉर्म इज गिविंग, तो आपको इसके लिए क्या करना है। दीज आर द वेरी इजी स्टेप्स। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहला काम आपको अपना फ्री WYZ का एयर ड्रॉप क्लेम करना है। उसके बाद में आपको XT.com पे जाना है और वहां पे आपको अपना WYS के टोकन्स बाय करने हैं। जितने भी आप फार्म करना चाहते हैं उतने टोकन्स आप WYS सॉरी WYS के टोकन्स आप XT.com से बाय कर लीजिए। अगेन द कोट कोटेशन इज एंड द हाइलाइटिंग पॉइंट इज कि दिस रेट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो इफ यू आर थिंकिंग टू डू द फार्मिंग डू नॉट थिंक मच एंड इन्वेस्ट राइट नाउ क्योंकि दिस प्राइस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम। आप XT.com पे जाइए, WYS के टोकन्स बाय करिए। जैसे ही आपने उसे बाय कर लिया है ऑल यू हैव टू डू इज farming.yscale.com पे आपको आना है। जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होगी आपके टॉप राइट कॉर्नर पे आपको कनेक्ट वॉलेट दिखेगा, आपको उसको क्लिक करना है।
आपके पास में ऑप्शन आएगा मेटामास्क का, आपको मेटामास्क पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली आपका एड्रेस वो पूल कर देगा। जैसे ही वो एड्रेस पूल करेगा आपको वापस से वहीं पे क्लिक करना है, एंड देन यू हैव टू गो इनटू द डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के लेफ्ट कॉर्नर में सबसे बॉटम पे आपको फार्म पूल्स दिखेगा, आप फार्म पूल्स पे क्लिक करिए, आपके सामने ऑल द पूल्स जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आप 100% WYS से फार्मिंग करना चाहते हैं या WYS अर्बिट्रम से फार्मिंग करना चाहते हैं, आप सिमिलरली अपनी सहूलियत के हिसाब से पूल सेलेक्ट कर सकते हो। पूल सेलेक्ट करने के बाद में आपको अमाउंट डालना होगा कि कितना WYS आप डिपॉजिट करना चाहते हैं, वो अमाउंट आप WYS का डालिए और डिपॉजिट पे क्लिक करिए। इट इज दैट इजी, आपका डिपॉजिट होते ही यू हैव डन द फार्मिंग। और अगर आपको उसको चेक करना है तो अगेन वो जो वॉलेट का एड्रेस आपके पास में आ रहा है उसको आप क्लिक करिए, उसमें आप पोर्टफोलियो पे जाइए, पोर्टफोलियो में आपको आपके कितने फार्म अमाउंट्स है, कितने क्या आपकी रेफरल लिंक है, क्या क्लेम्ड रिवॉर्ड्स है, सब आपके पास में इन्फॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको और डिटेल में इंफॉर्मेशन देखनी है तो वही वॉलेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपके पास में ऑप्शन आएगा डैशबोर्ड, वहां पे जाके आप जब देखेंगे तो यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन कि आपके टीम के नीचे कौन कौन लोग जुड़ गए हैं, क्या रैंक बोनस आपने हासिल किए हैं, कौन से रैंक बूस्टर लेवल पे आप हो, कितना APY आपके पास में रिफ्लेक्ट हो रहा है, कितना टीम बिजनेस हो रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन से कितना बिजनेस आ रहा है, रिमेनिंग लाइन से कितना बिजनेस आ रहा है, एंड इट इज दैट इजी टू एनालाइज द एंटायर थिंग। और अगर आप अपना पैसिव इनकम विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको फार्म टोकन्स पे जाना होगा और विड्रॉ पे क्लिक करना होगा। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन विड्रॉ आप अपना पैसिव इनकम यहाँ पे विड्रॉ कर पाएंगे। अगेन द पॉइंट टू रिमेंबर इज $10 इज द मिनिमम अमाउंट जो आप विड्रॉ कर सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है पर मिनिमम की लिमिट इज $10। अब ये जो आप WYS के टोकन्स निकाल रहे हैं इससे आप चाहे तो शॉपिंग कर सकते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे, क्रिप्टो कार्ड्स में यूज कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट जो आने वाला है उसके बाद द स्काई इज द लिमिट फॉर दिस प्लेटफॉर्म, वो है अर्बिट्राज। जब अर्बिट्राज आ जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि आपका पोटेंशियल ऑफ अर्निंग एंड गेटिंग द मैक्सिमम ऑफ द बेनिफिट विल इंक्रीज एक्सेप्शनली, क्योंकि ये एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है और ये अमेजिंग प्रोडक्ट आपको इसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएगा आने वाले अप्रैल तक। इसी के साथ में अगर आप अपना WYS को USDT में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको XT.com पे जाना होगा एंड यू कैन इजीली एक्सचेंज इट टू द USDT एज वेल। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। बिफोर साइनिंग ऑफ ऑल आई वांट टू से इज दिस इज द अपॉर्चुनिटी व्हिच यू शुड नॉट मिस, टुडे इज द टाइम। ये वही अपॉर्चुनिटी है जब शायद आपने सोचा होगा कि हमने काश बिटकॉइन या इथेरियम में इन्वेस्ट कर लिया होता। ये प्लेटफॉर्म उसी स्केल से ग्रो कर रहा है जिस स्केल पे ये जा रहा है। आने वाले टाइम में आप अगर आज इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आपके भी जीवन में यही काश वर्ड जरूर आएगा। सो डोंट लेट दैट काश वर्ड कम इन टू योर लाइफ एंड किक स्टार्ट टूडे। अपने नेटवर्क्स में बताइए, अपने फ्रेंड्स में बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अपॉर्चुनिटी पे लेकर आइए, बिकॉज यहाँ पे आपका इन्वेस्टेड अमाउंट सेफ है और आप यहाँ पे हाइएस्ट ऑफ प्रॉफिट्स अर्न करने की अपॉर्चुनिटी रखते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं